कि आज का जो प्रोग्राम आपने किया कितना साल है? आज आप देखना चाहते हैं तो मुंबई में मुझे लगता है जो तिथि तिथि के हिसाब से जो महाशिव जयंती होती है उसमें शिवसेना की जो यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे की पूरे महाराष्ट्र में तिथि के हिसाब से शिव जयंती हो रही है। और इसमें आप देखेंगे कि ये जल्लोस आप देख रहे हैं, आपने खुद कैमरे में कैच किया है, तो आप देखेंगे कि पूरा टाटा नगर मुस्लिम पट्टा है, तो भी मुस्लिम भाई साथ में आके हमारे साथ में एक साथ में रहते हुए हमारे वो जो जुलूस है जो रैली है उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और एक साथ में एक वातावरण निर्मित हो रहा है। आज ईद इसका रमजान का महीना है। और शिव जयंती का एक साथ में, और उसके बाद में आचार संहिता भी है, उसके बाद में आप देखना चाहते हो तो इतने बड़े पैमाने पे सब लोग आए और बड़े उत्साह से शिव जयंती, पुलिस लोग ने भी हमें सपोर्ट किया और अच्छे ढंग से पूरे आप लल्लू माई में देखेंगे तो इतने क्राउड अच्छे ढंग से आया, इतर भाषिक सब लोग आए और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हो गया है और आगे भी इससे और अच्छा कार्यक्रम हमें करना है। कल भी हमारा सत्यनारायण का पूजा और उसके बाद में ऑर्केस्ट्रा रखा है, ऐसे तो फंक्शन सालों साल शिवसेना लेती जा रही है। अच्छा सर, अभी जो लोकसभा का इलेक्शन जो आने वाला है सर, क्या लगता है आपको किस तरह की सीट नहीं? अभी हम तो इधर से संजय दीना पाटिल तो श्योर जीतने वाले हैं, और विन तो है, उसी वजह से तो उन्होंने जो हारने वाली सीट थी मनोज कोटक की वो कट कर दिए डर के हिसाब से, और वो फिर कोटेजा बोल के जो मुलुंड के MLA उनको सीट दिए। इसका मतलब हम कम से कम 70,000 के लीड से हम लोग यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन। सर अभी आपने जो प्रोग्राम रखा था छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का, और भी लोकसभा का भी इलेक्शन आने वाला है सर, किस तरह का मैसेज देना चाहिए लोगों की जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग डाल सके? देखो पहले से संजय दीना पाटिल जो है पहले NCP में थे और उनका जो रवैया है ये हिंदू मुस्लिम सिख जो सब लोग के साथ में है, आप देखना कभी भी देखो, उस वजह से मानकुर शिवाजी नगर में तो हम कम से कम 90,000 के लीड हम लोग मानकुर शिवाजी नगर से ही मारेंगे। हम लोग अगोदर पूर्ण महाराष्ट्रांना मी शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देते सर्वांना, आणि हा जो जुलूस आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण शिवसैनिक आमचे उद्धवजी बालासाहेब ठाकरे यांचे सर्वजण हा जुलूस आम्ही लोक बनवतो, मिरवणूक काढतो, आणि आता ह्या 2-3 महिन्यामध्ये परत एकदा जुलूस निघणार आहे, पूर्ण शिवसेनेच्या सीटा येतील आणि असेच जुलूस सगळ्या शाखेमध्ये निघतील। धन्यवाद। गेल्या अनेक वर्षापासून शाखेच्या वतीने ही शिवजयंती भव्य दिव्य व शिवसैनिकांच्या जोरात ही शिवजयंती होते, तसेच आपले तर ही शिवजयंती पारंपरिक पद्धतीने आणि चांगल्या पद्धतीने साजरी झाली, त्यामुळे सर्वांना मी शुभेच्छा देतो। शिवसेना ही दरवर्षी तिथीप्रमाणे शिवजयंती साजरी करत असते, तर आज तिथीने शिवजयंती आहे, त्यानिमित्ताने शिवसेनेच्या सर्व शाखांमध्ये आज शिवजयंती साजरी करण्यात येत आहे। तसंच या शाखा क्रमांक 141 भव्य मिरवणूक काढण्यात आली, ही एक परंपरा या शाखेची आहे आणि ती ते जोपासत आहेत आमचे लोकरे साहेब आणि संदीप, हे चांगल्या पद्धतीने ही परंपरा पुढे घेऊन चाललेले आहेत। या सर्व नागरिकांना मी शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देतो। आणि हजारोची संख्यामध्ये जनता याच्यामध्ये सामील झाल्या का? सर्वप्रथम मी शाखा क्रमांक 141 सर्व नागरिक आणि गटप्रमुख उपशाखा प्रमुख असू दे, शिवसैनिक असू दे, ज्येष्ठ नागरिक असू दे, सर्वांना माझ्याकडून आणि शाखेच्या वतीने शुभेच्छा देते आणि त्यांचे आभारसुद्धा मानते। आणि हे काय आमच्या शाखेची काही नवीन परंपरा आमची जुनी आहे, तर तुम्ही लोकांना पण माहिती असेल की हे पूर्वीपासून चालत आलं आहे, जवळजवळ 25-21 वर्ष होत चालले की ही असंच आम्ही भव्य मिरवणूक काढतो आहे, पण ह्यावेळी आम्ही 3 महिन्यांनी नंतर ह्याच्यापेक्षा मोठा जुलूस काढणार आहे आणि शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी जिंकून येणार, आपलं सर्व खासदार निवडून येणार, आणि तेवढंच बोलते, जय हिंद जय महाराष्ट्र।